आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पोषक तत्वों से भरपूर बादाम और पिस्ता आने वाले कुछ दिनों में महंगे हो सकते हैं। पिछले कुछ महीने के मुकाबले बादाम का दाम अभी कम है, लेकिन पिस्ता का भाव लगातार बढ़ रहा है। पिस्ता के प्रति किलो दाम में पिछले एक महीने में 100 रुपये की महंगाई आई है, लेकिन अब इसे और महंगा होने की उम्मीद है क्योंकि ईरान से इसकी शॉर्टेज बताई जा रही है। दूसरी ओर बादाम के भाव में कुछ नरमी देखने को मिली है। अभी इसकी आवक अच्छी है, लेकिन जुलाई के मध्य तक इसके रेट में कुछ इजाफा हो सकता है। मुंबई में अभी बादाम का होलसेल दाम 640 रुपये प्रति किलो, जबकि पिस्ता का 925 रुपये प्रति किलो के भाव पर है। आने वाले समय में ड्राई फ्रूट्स के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि भारत में पिस्ता ईरान से इम्पोर्ट किया जाता है। अभी ईरान में पिस्ता की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से इसका रेट महंगा हो रहा है। एक महीने पहले थोक में सॉल्टेड पिस्ता का भाव 825 रुपये प्रति किलो था, जो अब 925 रुपये प्रति किलो हो गया है। दूसरी ओर पिस्ता मगज का भाव 1500 रुपये किलो से बढ़कर 1900 रुपये प्रति किलो हो गया है। ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में, खास तौर पर रक्षाबंधन से पहले, इसके दाम में 500 रुपये प्रति किलो तक की वृद्धि हो सकती है। अभी अमेरिकन बादाम की आवक अच्छी है, इसलिए पिछले महीने के मुकाबले रेट में नरमी है। पिछले महीने अमेरिकन बादाम का होलसेल भाव 640 रुपये किलो था, लेकिन अब यह कम होकर 620 रुपये किलो के रेट पर स्थिर है। करीब एक महीने बाद 15 से 20 जुलाई तक यही 700 रुपये प्रति किलो के स्तर पर आ सकता है। ईरान से आने वाले मामरा बादाम का दाम क्वालिटी के हिसाब से इस समय 1700 से लेकर 2500 रुपये किलो तक चल रहा है। इसके दाम में भी कुछ इजाफा होने की संभावना बन रही है। काजू के दाम में भी कुछ तेजी दिखाई दे रही है। करीब एक महीने पहले जिस क्वालिटी के काजू का थोक भाव 720 रुपये प्रति किलो था, वो अब 750 रुपये प्रति किलो हो गया है। काजू की गोवा और अफ्रीकन देशों से अच्छी आवक है। हालांकि अभी खरीदने के लिए जल्दबाजी करने के बजाय मार्केट के रुख को देखना चाहिए। हो सकता है कि सूखे मेवे के मार्केट में कोई अंतर्राष्ट्रीय बदलाव होने से स्थितियां बदल जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।